पर देखिए पीछे की पेचीदगियों पर यह थी खास रिपोर्ट। जहां तक सवाल है बीजेपी के सहयोगियों का, तो जेडीयू ने यह कहते हुए सवाल से पल्ला झाड़ा, ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। शिवसेना ने भी इसे पार्टी का अपना मामला बताया, लेकिन बीजेपी को बुजुर्गों की इज्जत करने की नसीहत जरूर दे डाली। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने फैसले का स्वागत किया है। नरेंद्र मोदी को बड़ी जिम्मेदारी से बीजेपी के कार्यकर्ता खुश हैं। संघ सहमत है, पार्टी नेता मोदी के कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस फैसले पर बीजेपी के सहयोगियों की क्या राय है। एनडीए में शामिल दलों का क्या कहना है, जेडीयू का पक्ष सबको पता है, लेकिन महाराजगंज लोकसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद अब जेडीयू के रुख में भी नरमी दिखाई है। जेडीयू फिलहाल इसे बीजेपी का अंदरूनी मामला बता रही है। वो अपने इंटरनल मैटर में किसको पदाधिकारी बना रहा है, किसको नहीं बन रहा है, बना रहे हैं, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। वो एनडीए का तो कंपेन कमेटी का चेयरमैन नहीं बन रहा ना। जहां तक सवाल है बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना का, तो मोदी के नाम पर शिवसेना भी कोई खुश नहीं। पहले भी वो सुषमा स्वराज का नाम सामने ला चुकी है, बाल ठाकरे की पसंद बीजेपी को बता चुकी है। संजय राउत ने बीजेपी के उसके वरिष्ठ नेताओं की याद दिलाई। हालांकि शिवसेना का यह भी कहना है कि बीजेपी जो भी फैसला लेगी वो उसके साथ है। अडवाणी जी, इधर भीष्म पितामह और भारतीय जनता पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी जो हम देख रहे हैं, जिस शिखर पर भारतीय जनता पार्टी आज पहुंचे, उसके कर्ता धर्ता वाजपेयी और अडवाणी जी है। एक मत होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के बारे में, अगर वो होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जेडीयू और शिवसेना से अलग शिरोमणि अकाली दल ने मोदी को कमान दिए जाने का खुलकर स्वागत किया और मोदी के नेतृत्व की भी तारीफ की। यही नहीं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर भी उसने कोई एतराज नहीं जताया। अच्छे प्रशासक के तौर पे भी और एक अच्छा विजन जो है इस देश के लोगों को चाहिए उन्होंने रखा पिछले समय में। बीजेपी जो है बड़ा दल है और फैसला जो वो पार्टी अपना देगी वो दूसरे दल जो हैं वो स्वीकार करेंगे। यानी साफ है एनडीए के सहयोगियों की फिलहाल बीजेपी के इस कदम पर मिली जुली प्रतिक्रिया है। शायद बीजेपी को इस बात का एहसास था, शायद यही वजह है कि पार्टी मोदी को दो चरणों में आगे बढ़ाना चाहती है। अभी उन्हें प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया है और फिर धीरे धीरे सहयोगियों की सहमति के साथ और लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। गोवा से आनंद प्रकाश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।